एलिमिनेशन चेंबर 2023 आने में अब सिर्फ 6 दिन बच गए हैं और इस साल एलिमिनेशन चेंबर में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच ना तो मेंस एलिमिनेशन चेंबर है और ना ही वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर, बल्कि इस साल का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच है अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और ऑनररी उस रह चुके सैमी जेन के बीच में। तो क्या इस मैच में जे उसो सैमी की मदद करेंगे या इस मैच में और कौन से ट्विस्ट आ सकते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और एलिमिनेशन चेंबर के बाकी मैचेस में भी बेटिंग ऑड्स के हिसाब से किसके जीतने की ज्यादा चांसेस हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन सब की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो पिछले साल एक्सट्रीम रूल्स पेपरव्यू में जब रेटेड आर सुपरस्टार एज का आई क्विट मैच फिन बैलर के साथ हो रहा था, तो इस मैच में जजमेंट डे पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए थे और इसलिए अपने हस्बैंड की मदद करने बेथ फिनिक्स भी आ गए इस मैच में। लेकिन एज को आई क्विट बुलवाने के लिए जजमेंट डे ने धमकी दी कि वो बेथ फिनिक्स को इंजर्ड कर देंगे, और भले ही एज ने आई क्विट बोल दिया, लेकिन इसके बाद भी जजमेंट डे ने बेथ फिनिक्स को इंजर्ड कर दिया था। पर इस साल रॉयल रंबल में एज रिटर्न आए और जब रिया रिपली ने एज पे अटैक किया तो बेथ फिनिक्स एक बार फिर से एज की मदद करने आ गई, और अब एलिमिनेशन चेंबर 2023 में एज और बेथ फिनिक्स टीम अप करेंगे और फेस करेंगे रिया रिपली और फिन बैलर की टीम को मिक्स टैग टीम मैच में। और भले ही इस मैच में डोमिनिक मिस्टेरियो नहीं है, लेकिन वो रिंग साइड रहकर रिया रिपली और फिन बैलर की पूरी मदद करेंगे। और क्योंकि इस साल वुमेन्स रॉयल रंबल रिया रिपली ने जीता है, इसलिए मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी उन्हें पुश देंगे और ये मिक्स टैग टीम मैच भी रिया रिपली और फिन बैलर जीत जाएंगे। तो इस साल मेंस एलिमिनेशन चेंबर में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी उनकी चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे हैं मॉन्टेस फोर्ड, डेमियन प्रीस्ट, ब्रॉनसन रीड, जॉनी गार्गानो और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि शायद रेसलमेनिया 39 में जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी एक नॉन टाइटल मैच हो सकता है, इसलिए इस बात की बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस साल एलिमिनेशन चेंबर में ऑस्टिन थ्योरी उनका यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप हार जाए और वो ये चैंपियनशिप या तो सेथ रॉलिंग से हारेंगे या फिर डेमियन प्रीस्ट से। वैसे अगर ऑस्टिन थ्योरी इस मैच में नहीं जीतते हैं तो आप लोग नया यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन किसे बनते हुए देखना चाहोगे, कमेंट करें, सबसे शेयर करें। तो इस साल वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर जो भी फीमेल सुपरस्टार जीतेंगी वो रेसलमेनिया 39 में रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर को चैलेंज करने वाली है, और इस मैच में कम्पीट करी है रकेल रॉड्रिगस, लिव मॉर्गन, निकी क्रॉस, आस्का, नेटालिया और कार्मेला। और मुझे लगता है कि इस मैच में सबसे ज्यादा चांसेस आस्का या फिर लिव मॉर्गन के जीतने के हैं, और ये दोनों में से कोई जीतकर बियांका ब्लेयर को रेसलमेनिया 39 में चैलेंज कर सकती हैं रॉ वुमेन्स टाइटल के लिए। पर चलिए अब बात करते हैं एलिमिनेशन चेंबर 2023 के मेन इवेंट के बारे में, जो कि है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और सैमी जेन के बीच में। और रोमन रेंस ने सैमी जेन से ये वादा किया है कि वो सैमी के होम टाउन में सैमी को हराकर उन्हें बुरी तरह सबक सिखाएंगे, लेकिन सैमी ने भी रोमन से बोल दिया है कि वो रोमन से उनकी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप एलिमिनेशन चेंबर 2023 में छीन लेंगे। और ये मैच इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि फैंस को ये देखना है कि जे उसो उनके भाई रोमन का साथ देते हैं या फिर वो सैमी जेन का साथ देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में जे उसो अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का ही साथ देंगे, क्योंकि रेसलमेनिया 39 में उसोस वर्सेस सैमी जेन और केविन ओवेंस का टैग टीम मैच होगा टैग टीम टाइटल्स के लिए। तो इस मैच में जे उसो सैमी जेन को हरवा देंगे द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। और इस मैच में अगर जे उसो इंटरफेयर नहीं भी करते हैं तब भी ये बात 100% कंफर्म है कि इस मैच में रोमन जीत कर उनकी चैंपियनशिप रिटेन करने वाले हैं। और एलिमिनेशन चेंबर 2023 इंडिया में संडे 19 फरवरी की सुबह 5:30 बजे से सोनी 10/1 और सोनी 10 रिपोर्ट देगा, और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।